तो भाई अब क्या कर रहे हो आप? अब हम इसमें जेल डाल चुके हैं और अब इसमें आग लगा देते हैं। ठीक है ठीक है, चलो ये देखो जल गई भाई। तो इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है सेमी स्टोव का, अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये इजी टू कैरी भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको कहीं भी बाहर ले जा सकते हो। और ये आप अगर एलपीजी का एक गैस सिलेंडर कैरी करते हो तो वो एक तो रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की काम पहाड़ों है, पे ले जाने भी पहाड़ों नहीं पे ले जाना भी, ले जाने अलाउ भी नहीं करते। और हमारे एलपीजी कुकर ने भी 10 मिनट लिए, एलपीजी को टक्कर दे रहा है, मतलब एलपीजी को टक्कर दे रेट रहा भी कम है, हैंडी भी है और रेट भी कम है, रेट भी कम है और सेम टाइम पे आपको चावल बना के भी दे दिया, तो और क्या चाहिए। यो गोभी खंडवाल, बात ऐसी घर के जैसी, आज अपन आ चुके हैं सिमी स्टोव। और ये रहे यान भाई, क्या हाल है यान भाई? बढ़िया भैया, बढ़िया। सबसे पहले ये लोकेशन बताओ, कहाँ पर आ चुके हैं हम? तो ये हम अपनी फैक्ट्री में है, गाजियाबाद के पास। गाजियाबाद के पास फैक्ट्री है। और वैसे अपना स्टोर कहाँ है? अपना ऑफिस है, स्टोर नहीं है। अच्छा। अपन डायरेक्टली फैक्ट्री से ही सप्लाई करते हैं सब। अच्छा, कुछ फैक्ट्री से ही सप्लाई करते हो। ऑल इंडिया डिलीवरी है? जी, ऑल इंडिया डिलीवरी है। और कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहने वाले? कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप वो नीचे स्क्रीन पे रन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में हम क्या दिखाने वाले हैं यान भाई, थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो पहले। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बताने वाले हैं कि कैसे हमारा जो स्टोव है सेमी स्टोव, वो एलपीजी से कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, उसके कंपैरिजन में कितना किफायती है। क्या बात है। तो कोई वेरिएशन है उसमें, वन वाला, दो वाला, कुछ है कुछ ऐसा सिस्टम? ये आपको हम, जैसे हमारा स्टोव है अलग अलग टाइप का आता है, एक आता है सिंगल बर्नर और एक आता है डबल बर्नर। अच्छा, अच्छा। तो आज हम सिंगल बर्नर के साथ एलपीजी स्टोव का कंपैरिजन दिखाएंगे। तो चलो गाइस दिखाते हैं, वीडियो को स्किप मत करना और स्क्रीन पे चलता रहेगा नंबर। ऑल इंडिया डिलीवरी रहने वाली है, इनका ऑफिस रहने वाला है ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क में। नियरेस्ट मेट्रो भी ग्रीन पार्क है और ये जो फैक्ट्री है वो है गाजियाबाद में। तो चलो गाइस वीडियो करते हैं शुरू। तो ये कौन सा है यान भाई? ये है अपना डबल बर्नर सेमी स्टोव। डबल बर्नर सेमी स्टोव, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये है जेल की बोतल जिससे हमारा स्टोव चलता है। इससे चलता है, जेल से? जी। क्या बात है, कितना जल जाएगा, मतलब ये जो बोतल है इसमें कितना? ये जो हमारी बोतल है ये आराम से आपकी 5 से 6 दिन चल जाएगी। 5 से 6 दिन चलेगी डबल वाले में? जी, दोनों में सेम बोतल रहती है। डबल में आपको 2 बोतल मिलती है, सिंगल में 1 बोतल मिलती है। अच्छा, एक। तो इसकी प्राइसिंग क्या रहती है डबल वाले की? जो अपनी डबल वाली प्राइसिंग रहती है वो रहती है 3,000 के आसपास, और जो सिंगल वाला रहता है वो हमारा 2,000 के आसपास है। 2,000 के आसपास है। और गाइज आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो पहली वीडियो है इसलिए आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसा होता है स्टोव, थोड़े इसके बारे में और बताओ, फीचर बताओ भाई। जी जरूर। तो ये हमारा जो स्टोव है, ठीक है, इसको ही हम यहीं से दिखा देते हैं। ठीक है, और वो जेल कहाँ पे, इसमें जेल डलता है? अंदर जेल डलता है इसमें। ठीक है ठीक है। इसके ऊपर इसको इसके साथ लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। इसको इसमें रख के, इसको ऐसे खोल के, इस पे रिंग रख के, फिर इस पे अपन अपना अच्छा। कुछ भी सामान रख सकते हैं जो कि अपन जिसमें बर्तन में बनाना चाहे। अच्छा, तो वो जलती रहेगी, थोड़ा सा जल डाला, हाँ 20-30 ग्राम जल डाला, अपना फ्लेम लगाई, फ्लेम जलता लगाई और वो जलता रहेगा। क्या बात है। तो आज हम दिखाने वाले हैं सिंगल बर्नर, सिंगल बर्नर में कैसे हम खाना बनाते हैं एलपीजी के कंपैरिजन में। ठीक है गाइस, तो सिंगल बर्नर ये रहा, ये देखो गाइस ये है सिंगल बर्नर। कर दूं भाई अनबॉक्सिंग? जी भाई करो। चलो भाई इसकी कर देते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो भाई, ये निकला है अपना सिंगल बर्नर, ये रहा लिक्विड, ये रही रिंग और ये रहा इसके ऊपर का बेस। चलो भाई यान भाई सेटअप करके दिखाओ, फिर आपको मिलते हैं 2 मिनट में। तो भाई अब क्या कर रहे हो आप? अब हम इसमें जेल डाल चुके हैं और अब इसमें आग लगा देते हैं। ठीक है ठीक है, चलो ये देखो जल गई भाई आग, ये देखो अभी ऐसी जलती रहेगी? हाँ, ये ऐसी ही आग लगती है। अच्छा, और ऐसे बुझ जाती है। अरे वाह यार, ये बढ़िया है भाई सिस्टम। चलो भाई अब इसमें हम बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? चावल, चावल बनाएंगे आज, आज बनेगा पुलाव। चलो भाई रख दूं भाई, रख दूं? नहीं नहीं अभी नहीं भाई, मैं रखूंगा गाइस आज कुकर, आज करूंगा मैं। अब रख दो आप इस पे कुकर। ये लो भाई, तो कितनी देर में मतलब हो जाएगा उम्मीद? भाई अपना 10 मिनट हार्डली, 10 मिनट में हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में पुलाव रेडी। क्या बात है। I'm wondering, can I hold ya, tell your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say?
500 के आसपास पड़ जाता है आराम से आप इंडिया में अगर देखो। वहीं अगर अपन अपने सेमी स्टोव की बात करते हैं तो एक सिंगल जो बर्नर आता है, सिंगल बर्नर स्टोव जो आता है अपना सेमी स्टोव का, वो आपको 2000 तक का पड़ेगा। उसके बाद आपके साथ जो ये बॉटल साथ में मिलती है, एक फ्री बॉटल मिलती है। अच्छा, एक फ्री जी। और अगर आप और भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है। पर बॉटल प्राइस होता है 166 रुपीज़ जी। तो ये डिलीवरी भी हो जाती है? डिलीवरी भी हो जाती है, ऑल इंडिया डिलीवरी है। उसके अलावा हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फैले हुए हैं, तो आप उनसे भी जाके ले सकते हैं। क्या बात है। तो अगर आप प्राइस को कंपेयर करते हैं तो उस बेसिस पे अफोर्डेबल भी ज़्यादा है। हाँ। उसके साथ साथ फिर अपन देखते हैं कि कई सारे लोगों को होता है कैंपिंग पे जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो वो इतना भारी सिलेंडर और एक स्टोव ऐसे कैरी इजीली नहीं कर सकते, स्पेशली बाइकर्स। हाँ। लेकिन आप अगर बाइकर्स को देखें या इवन कोई भी देखे जो कैंपिंग पे बाहर जाना जाता है, तो दिस इज़ वेरी इजी टू कैरी। ये बहुत हल्का भी है, हार्डली 3 kg का इसका वजन है। उसके साथ साथ फिर ये आपके साथ बैग में आराम से पीछे आ जाएगा, आप उसको अपने बैग्स में रख सकते हैं और आराम से कहीं भी जाके कैंपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आता। क्या बात है। तो हाँ जी भाई, बन गए 3 सीटें, आ गई। थोड़ी गैस निकाल देते हैं इसकी, निकाल दो भाई। अरे वाह, एक नंबर। अब भाई हटा दो इसको, हटा दो। अब इसको बंद कैसे करेंगे भाई? अच्छा, अरे वाह, ये आपका बंद हो गया। अरे वाह, क्या चीज है। अब चावल देखें भाई। भाई बासमती राइस चावल रेडी हो चुके हैं, आप देख ही सकते हो। क्या बात है भाई, इजी टू सर्व भैया, इजी टू सर्व, रेडी है, रेडी है। तो भाई इसके और फीचर बताओगे आप, और क्या क्या फीचर हैं इसके? ये तो चलो हमने चावल बना के टेस्ट कर लिया जी। हमें आइडिया लग गया, अब हमें भरोसा हो गया, चाय चावल खाना सब्जियां सब बनेगा इसके। बन सकता है। और क्या क्या फीचर हैं इसके? तो इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है सिमी स्टोव का, अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये इजी टू कैरी भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको कहीं भी बाहर ले जा सकते हो। और ये आप अगर LPG का एक गैस सिलेंडर कैरी करते हो तो वो एक तो रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की काम है। पहाड़ों पे ले जाने भी, पहाड़ों पे ले जाना भी, ले जाने अलाउ भी नहीं करते जैसे कि आपने बोला। उसके साथ साथ इसको कैरी करना भी बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा हेक्टिक है। लेकिन अगर हम सिमी स्टोव की बात करते हैं तो बस आपको एक ये सिंगल स्टोव का एक सेटअप चाहिए और बस एक जेल बॉटल चाहिए और आपका वही काम हो जाएगा। आप कहीं भी बैठ के इसके साथ अपना खाना बना के एंजॉय कर सकते। सही बात है। और इसका कुछ वेट भी नहीं है गाइस, इसका वेट होगा मुश्किल से 2-2.5 किलो। और ये जो है 166 में आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन या नियर बाय स्टोर पे भी। और एक के साथ एक बॉटल आपको फ्री मिलेगी, आपको सिंगल स्टोव के साथ एक बॉटल फ्री मिलेगी, इसके साथ दो मिलेगी, इसके साथ आपको दो मिलती है फ्री। सही बात है। तो गाइस प्राइसिंग है इसका 2000, इसका 3000 जी। और अपनी ऑडियंस के लिए डिस्काउंट भाई? अपनी ऑडियंस के लिए डिस्काउंट है, आपका जो कोड रहेगा आप वो लगा सकते हो और उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ अभी हमारी वेबसाइट पे ईद का भी, जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है, बकरा ईद बहुत ही करीब है, तो इस वजह से उसका भी एक डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जो कि है www.semistove.in उस पर विजिट कर सकते हैं। उधर आपको जितनी भी डील्स रहेंगी, जितना भी ऑफर रहेगा, डिस्काउंट ऑफर रहेगा, सब आपको उस पर पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर डीलरशिप लेनी है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। हमारी टीम आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपको ग्रो करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। और आप हमारी टीम को 10 से शाम के 7 बजे के बीच कभी भी वीकडेज पे कॉल कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बना रहे हैं चावल LPG पे और देखते हैं कितने टाइम में बनती है। 10 मिनट में बन गए या 5 मिनट में या 15 मिनट में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो भाई कर दो स्टार्ट। तो गाइस सिटी आ चुकी है, चावल बन चुके हैं, अब देखते हैं आगे का सिस्टम। तो भाई बन गए चावल? इसमें भी चावल बन चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सिमी स्टोव ने भी 10 मिनट लिए और हमारे LPG कुकर ने भी 10 मिनट लिए। LPG को टक्कर दे रहा है, मतलब LPG को टक्कर दे रहा है। रेट भी कम है, हैंडी भी है और रेट भी कम है। रेट भी कम है और सेम टाइम पे आपको चावल बना के भी दे दिया, तो और क्या चाहिए भाई। अब आप खुद बताइए कि आपके नजर में LPG से ज्यादा बेटर है या नहीं हमारा है भाई? बेटर है, सिमी स्टोव बेटर है, कैरी करना इजी है और अफोर्डेबल भी है। इसका जो जेल है गाइस काफी सस्ता है, इसका जो जेल है सिर्फ 166 रुपए का है। और सिलेंडर आपको पता है भरवाते हो
₹250 किलो के हिसाब से भरती है आराम से, फिर आपका 1200 से 1500 रुपए उसमें जाते ही जाते हैं। फिर सिलेंडर लो, ये लो, तामझाम लो, वजन इतना ज्यादा, 7-8 किलो वेट, इसका 2-2.5 किलो वेट, इसका 2-2.5 किलो वेट, आराम से आप ट्रिपो पे कैरी कर सकते हो। तो भाई हमने मेन पर्पज था आपको डिफरेंस बताना सिमी स्टोव और एलपीजी का, तो भाई डिफरेंस हमने बड़े अच्छे से प्रेजेंट करा, तो कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? मैं बस अब यही जानना चाहूंगा आपकी ऑडियंस से कि उनको क्या बेटर लगता है, कमेंट करके बताओ सिमी स्टोव एलपीजी के कंपैरिजन में कैसा है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। मुझे तो बेटर लगा भाई, और ऑडियंस को बेटर लगेगा और वो ऑर्डर करेगी और इसको यूज करेगी, और अगर जो यूज कर रहा है ऑलरेडी कमेंट में हमें बताओ आपको कैसा लगा। तो चलें भाई फिर एंड करें वीडियो को, ठीक है सर। क्या करना है फिर? बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके बताएं कैसा है, और याद से नीचे दिए हुए नंबर पे और वेबसाइट पे जाके हमारी हमारी स्टोव को ऑर्डर करें। करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड़, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे तूत पे, लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।